नहीं, आपकी सोशल जिम्मेदारी वो ताकत से दी जाए कि कुछ ऐसा कर दीजिए और वो ताकत मेरे पास हो तो हम सारे मल्टीप्लेक्स में अपना सिनेमा लगाना स्टार्ट कर दें। और अगर मल्टीप्लेक्स में जिस दिन हमारा भोजपुरी सिनेमा लगेगा, बिजनेस 50 करोड़ का। मल्टीप्लेक्स सिनेमा तक पहुंचने के लिए वो गांव वालों को वहां तक जाना होगा, वहां जाकर के टिकट निकालनी होगी, वो पैसे कौन लाएगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सब। अभी आप एक बात बताइए, किसके पास 1,500 रुपये नहीं है? किसके पास नहीं है? है सबके पास, सब बट मल्टीप्लेक्स में खर्च करने के लिए नहीं। नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी हम लोग यहाँ पे एकदम गलत हैं सर। छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से स्टार्ट मेरा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से हुआ। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में सर सेंटर मात्र 21-22 सेंटर थे और जब मल्टीप्लेक्स स्टार्ट हुआ और वहाँ के सिनेमा को खास कर जैसे हमारा रीजनल है, वहाँ के मल्टीप्लेक्स वालों ने छत्तीसगढ़ी सिनेमा को इज्जत दी। हमारे मल्टीप्लेक्स वाले शायद इज्जत नहीं देते, इसलिए हमारे मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगती नहीं। बड़ी गिनती से कुछ बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स या कुछ ऊपरी पहुंच वाले अपने कुछ थिएटर या मल्टीप्लेक्स में लगा लेते हैं, अलग बात है। लेकिन हर सेंटर में जहां मल्टीप्लेक्स है वहां अगर हमारा सिनेमा लगना स्टार्ट हो जाए तो अपने आप ऑडियंस आएगी। प्रवीण सर, इसका अच्छा खासा एक सेकंड आगे बोलने दीजिए जी। छत्तीसगढ़ में अभी पहले बताया 22-24 या 26 ऐसे सेंटर थे, मल्टीप्लेक्स की वजह से 64 सेंटर हो गए और कहीं कहीं तो एक ही मल्टीप्लेक्स में दो दो स्क्रीन में सिनेमा लग रहा है। 2 साल पहले एक सिनेमा छत्तीसगढ़ में रिलीज़ हुआ था और वो फिल्म का बजट 40-50 लाख रहा होगा, हमारी भोजपुरी फिल्म से भी आधा, और उस फिल्म का बिजनेस था 17 करोड़। और वो बहुत अच्छे, वो डायरेक्टर हमारी भोजपुरी में भी थे, सतीश जी मेरे गुरु हैं वो, और उन्होंने वो फिल्म बनाई थी। फिर उन्होंने अभी एक सिनेमा बनाया है छत्तीसगढ़ में, वो भी मल्टीप्लेक्स में लगा है, उसका कलेक्शन 15 करोड़ से ऊपर है मात्र 3 या 4 वीक में। तो अगर हमारा भोजपुरी सिनेमा भी मल्टीप्लेक्स में लगना स्टार्ट हो जाए तो हमारा बिजनेस 50 करोड़ से ऊपर है। जैसे महाराष्ट्र में कानून है कि मराठी फिल्में मल्टीप्लेक्स लगना कंपलसरी है जी, वैसे कानून बनना चाहिए लगता है? बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन उसको बनाने के लिए हमारे हमारे मनोज जी, दिनेश जी, नीरवा जी और रवि किशन जी, अगर इन लोग कुछ कर दें तो हो जाए। तीनों सांसद लेकिन कर दें तो। लेकिन प्रवीण भैया, आप तो जानते ही हैं फिल्में आप हर जगह रिलीज करा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, क्या वाकई में जो थिएटर अभी इस समय यूपी बिहार में हैं वो दर्शकों से भरे पड़े हैं? कलेक्शन अच्छा खासा हो रहा है, थोड़ा सुधार हुई है और मंजुल जी प्रयास कर रहे हैं अगर इस तरह की पिक्चर बनने लगेगी तो बढ़िया हो जाए। मल्टीप्लेक्स में लगाने के लिए लिखने से कुछ नहीं है, फिल्में तो सब अच्छी बन रही है, लोगों की मन स्थिति सही होनी चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हमारे राजनेता लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तब होगा ना। हमारे लिखने से केवल नहीं होगा, अच्छी अच्छी पिक्चरें बनी हुई है, गोवर्धन की जो बात बोल रहे हैं इतनी अच्छी फिल्म है, लगने के लिए वैसा संजोग होना चाहिए ना। सपोर्ट कहीं से है ही नहीं फिल्मों को, कलेक्शन केवल ये टैक्स मिलते लिया लेता है, लेकिन सरकार कहाँ सपोर्ट करती है? सबसे बड़ा बिहार है, बिहार में कहाँ सरकार का सपोर्ट है? पब्लिक जरूर देखना चाहती है थिएटर में, लेकिन थिएटर उस लाइक मजा है लोगों को, तब मजा देखने के लिए। जब इतने दिन से जो धस के रसासन में चला गया है उसको निकलते निकलते शायद समय लगेगा, और कोई ऊपर वाला नेताओं में कोई उस तरीके का जुनून ही आ गया तो शायद हो सकता है कि कल्याण हो। इस टॉपिक पे हम लोग से ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं होगी अगर हमें मल्टीप्लेक्स मिलता है, या जो हमारे सिंगल थिएटर्स भी जो थे जो बहुत कम हो चुके हैं अभी, अगर वो भी हमें वापस मिल जाए तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। बट वही है कि इसमें हमारा तो बस नहीं है, अगर हमारे जो यहाँ पे अपर लेवल पे जितने भी हमारे हैं प्रोड्यूसर्स हैं सारे, अगर जो एक्टर्स हैं अगर वो चाहे और वो अपील करें तो शायद कुछ हो सकता है। हम लोग का खैर प्लानिंग तो आनंद जी के साथ फर्स्ट लॉकडाउन से ही चल रहा था, अपने संजय पांडे जी हैं उन्होंने ही प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, हम लोग को मिलाया था, हम लोग की बात कराई थी रितेश जी से भी शायद उसमें बात, तो हम लोग शुरुआत तो उसी वक्त कर दिए थे और करते करते मेरे को लगता है 2-2.5 साल निकल गए। फिर फाइनली ये हुआ कि फिल्म करनी है और हम लोगों ने एक सब्जेक्ट बना के रखा था यही सर्विस वाली बहुरिया, तो
मुझे ऐसा लगा कि आनंद जी के लिए और आनंद जी के लिए सब्जेक्ट किससे अच्छा क्या होगा। और रही बात काजल जी के लिए, तो चूंकि आप हम लोग बात कर रहे थे कि महिला प्रधान फिल्म है, तो महिला प्रधान फिल्म के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, सशक्त महिला, तो काजल जी से सशक्त कौन हो सकता है? सर्विस वाली बहुरिया एक आप नाम से टाइटल से ही समझ सकते हैं कि ये किस बेस पे फिल्म बन रही है। आजकल देखा जाए तो हर एक लड़की शादी के बाद जॉब करती है, बिकॉज अभी तो खर्चा भी इतना बढ़ गया है कि हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों को ही कमाना पड़ता है, तब जाके घर चलता भी है, और ऊपर से फैमिलीज है, बच्चे होते हैं, सबका देखना होता है। सो सर्विस वाली बहुरिया हम उसी बेस पे फिल्म बना रहे हैं, और जिसके राइटर है अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, और हमारे डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी हैं जो इसका निर्देशक करने जा रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मंजुल जी के अंडर ये फिल्म आई है तो वो बहुत ही अच्छे से दर्शाएंगे भी, और अच्छे डायरेक्टर तो हैं ही, सब जानते हैं। वो एक्शन जो मार धार टाइप का होता है वहाँ पे वो एक्शन नहीं करवाते, लेकिन फैमिली फैमिली में जो एक्शन होती है वो ज़्यादा वो उस पर मेहनत करते हैं, और वो नेचुरल भी होता है, बिकॉज हम डेली मार धार नहीं करते हैं, ना ही कोई रियल लाइफ में इतना करता है, बट जो फैमिलीज में मार धार होती है बातों बातों में, इशारों में और उस चीज़ में, तो उस पर वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और लोगों को पसंद भी आता है। सो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और मेरे साथ आनंद जी कर रहे हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी ये फीमेल ओरिएंटेड ही है पूरा, बिकॉज अगर मैं बहू बनी हूँ तो ऑब्वियसली हस्बैंड की वजह से ही बनी हूँ। सो हम दोनों का ही कॉन्सेप्ट है ये, और हम दोनों ही इतना जी जान से करेंगे इस फिल्म को, और सबको बहुत पसंद आएगा। मैं इतना कहूँगा कि काजल जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, और फैमिली का जो ड्रामा होता है, फैमिली का एक्शन होता है, क्योंकि वो हमारे रियल लाइफ में घटित होता है और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, तो उसको मंजुल सर बहुत अच्छे से दिखाते हैं और उसमें माहिर हैं वो। स्क्रिप्ट बहुत लाजवाब है, तो मज़ा आएगा ऑडियंस को। हमारी काजल की जोड़ी हमेशा, मुझे बहुत कंफर्ट फील होता है इनके साथ काम करके, इतना सपोर्ट मिलता है। अंदर से ये अभी भी बच्चा है, हाँ देखने में इतनी बड़ी है, लेकिन अंदर से बचपना, अंदर से इनोसेंसी, और क्योंकि फैंस तो इनको इतने बड़े ही देखते हैं ना, वो इनोसेंसी है संभालना, और मुझे लगता है कि किसी के साथ अगर दोस्ती है तो उसे बड़ी जज्बा के साथ निभाती हैं, और अगर कोई भी दोस्त ऐसा है जो इनको अपने लाइफ से हटाता है, या मुझे लगता है कि एसेट्स है आपके लाइफ में अच्छे दोस्त, और छोटी मोटी डिफरेंसेज अगर जैसे कि कहा जाए इनका प्रोफेशन जो है, इन्होंने बताया एकदम स्ट्रिक्ट वाला होता है वो, और मतलब हमारे जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, कभी मैंने उनको स्माइल करते हुए नहीं देखा है। ये फैक्ट है, नहीं करते हैं ये लोग, स्माइल नहीं करते, एकदम अकड़ू टाइप के लगते हैं। क्यों अकड़ू टाइप के, इतना मतलब पुलिस वाले अकड़ू टाइप के क्यों होता है? बट अभी जैसे इन्होंने बता कि उनको ट्रेनिंग मिलती है स्माइल नहीं करना, लेकिन ये हमेशा हंसते ही रहते हैं। और ये बहुत फनी है, और बहुत मजाकी है, और बहुत फन करते हैं, हम लोग मस्ती भी बहुत करते हैं।